नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समददार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताने वाला हूं। काफी सारे कमेंट आए थे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानने के लिए, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सीरीज आप लोगों को देखते रहना पड़ेगा, तब जाके आप काफी सारे लोन देने की व्यवस्थाएं, कैसे डिपॉजिट लेते हैं ग्रुप से, कैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। आज बेसिक समझ लीजिए, नहीं तो फिर अगला वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। मैं बताना चाहता हूं, जब सिमिलर टाइप के लोग मिलकर, कोई कम्युनिटी मिलकर, चाहे किसी कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज मिलकर अगर कोई सोसाइटी बनाते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के तहत बनता है, जिसको स्पेसिफिकली क्रेडिट कोऑपरेटिव वर्ड बीच में लिख के रजिस्ट्रेशन कराया गया हो, फॉर एग्जांपल ग्लोब कॉर्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्स वाई जेड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव वर्ड बीच में है, ये वर्ड है, तब आप समझिए कि वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की विशेषताएं क्या क्या है ये आप ध्यान से सुनिएगा। अगले वीडियो में मैं और भी काफी चीज बताने वाला हूं, लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, यहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दूसरा, ये सिमिलर ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, एक ही टाइप के लोग होते हैं, चाहे वो सेम जमात वाले हों, चाहे सेम कंपनी के एम्प्लॉयज हों, या कोई रिलीजन वाले, सेम रिलीजन वाले हों, या फिर किसी भी तरीके से एक सिमिलैरिटी होना चाहिए उस ग्रुप में, उस कम्युनिटी में जो मिलकर ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उस स्टेट के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होता है, और उस स्टेट के सोसाइटी एक्ट, हर स्टेट का सोसाइटी एक्ट अलग होता है, तो स्टेट का जो सोसाइटी एक्ट है उसके तहत ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है। चौथी चीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में साख और बचत अपने ही जो मेंबर्स हैं, जितने लोग मेंबर होते हैं उनसे ही उनकी बचत की राशि ली जाती है और उनमें ही उसको लोन के रूप में बांटा जाता है। ये जो बचत की राशि लेते हैं ये डिपॉजिट्स है, क्या है ये डिपॉजिट्स है, जिसको अलाउ करता है वो स्टेट, क्योंकि स्टेट के अंदर में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के उस स्टेट के एक्ट के अंतर्गत आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मेंबर्स लोग से पैसा ले सकते हैं, डिपॉजिट ले सकते हैं, चाहे डेली डिपॉजिट लें, चाहे आरडी ले, चाहे एमआईएस ले, चाहे एफडी ले। अब मेंबर्स लोग से पैसे ले लिए, अब उस पैसे को अपने ही बीच के मेंबर्स में जो जो जरूरतमंद लोग हैं उनका स्क्रूटनी किया जाता है, उनके आवेदन लिए जाते हैं, और उनके आवेदन के अगेंस्ट में हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं, और कमिटी मिलकर, जो मैनेजिंग कमिटी, वो डिसाइड करती कि किसको कितना कितना लोन बांटना चाहिए। नॉर्मली जितना ब्याज हम डिपॉजिट पे देते हैं उससे थोड़ा सा 1-2% ऊपर तक का इंटरेस्ट हम लोगों को लोन पे लेते हैं, ताकि वो 1-2% का जो मार्जिन है उससे सोसाइटी अपना ग्रोथ कर पाए, सोसाइटी का कॉर्पस बढ़ता जाए। और मैं बताऊं, ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता इसलिए है ताकि वो जो कम्युनिटी है, वो जो सारे मेंबर्स हैं, वो हर मेंबर ग्रोथ करे, बाहर किसी और से पैसे के लिए मांग करने की जरूरत ना पड़े, आपस में ही पैसे जमा किए और आपस में ही बांट दिए। जबरदस्त कंसेप्ट है, हमारे आजादी के बाद से चले आ रहा है, लोगों को सशक्त बनाता है ये सारी चीजें। सबसे ज्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव के लिए जागरूक जो स्टेट है उसमें महाराष्ट्र, मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और बाकी राज्य भी अच्छा काम करते हैं, बट महाराष्ट्र इनक्रेडिबल है। हमको सीखना चाहिए कि वहां के मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, इंस्पायरिंग है, और बाद में तो वो कोऑपरेटिव के अंदर में बैंक तक बनाते हैं और बैंक को सक्सेसफुली चलाते हैं। ऐसे कई सारे राज्य हैं, साउथ में भी कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु में भी अच्छे चलते हैं, केरल में बहुत अच्छे चलते हैं। आपको अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है तो आप नीचे कमेंट करिए कि आप कौन से राज्य से हैं, आपका नाम क्या है, और आपको क्या जानकारी चाहिए, आपको जरूरी लिंक भेज दिया जाएगा। थोड़ा सा आपको रिसर्च करने की जरूरत है, अगर काम करना है तो ये भी एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है। मैं धीरे धीरे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताने वाला हूँ, मल्टीपर्पज सोसाइटी के बारे में बताने वाला हूँ, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत सारी जानकारी आपको आने वाली है। आप बने रहिए मेरे साथ में,
और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों को जरूरी इंफॉर्मेशन समय पर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।